हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर टू को देख रहे हैं। लेक्चर वन में मैंने डिस्कस किया था बेसिक यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, पार्ट वन और पार्ट टू के 8 यूनिट्स मैंने डिस्कस किए थे। आज मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ये जो 8 कंसंट्रेशन टर्म्स थे उसके बारे में मैंने बताया था कि ये सारे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं और इसका जो है सब फार्मूला बेस्ड है। एक फार्मूले के हेल्प से दूसरे फार्मूले में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं अब कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट फार्मूला बताने वाला हूँ आपको। इससे क्या होगा कि जो भी आप कन्वर्ट कर रहे हो उसका एक बेसिक मेथड भी है और एक डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक एक एग्जाम्पल से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक एग्जाम्पल आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्वेश्चन में वेट बाई वेट गिवेन है, ठीक है, किसी सॉल्यूशन का क्या गिवेन है, वेट बाई वेट, और वेट बाई वेट देके मुझे बोला है कि आप इसको वेट बाई वॉल्यूम में बताइए, ठीक है, और मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बहुत सिंपल सा बात है, मैंने कल भी बताया था, अगर आपको याद हो तो ये हमारा जो है पार्ट टू का यूनिट है और ये कौन सा यूनिट है, पार्ट वन का यूनिट है, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट टू और पार्ट वन का यूनिट है, दोनों को कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला था किसका रिक्वायरमेंट है, डेंसिटी का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है, डेंसिटी। तो अब देखो क्वेश्चन में इसका मतलब, अगर आपको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से डब्ल्यू बाई वी में जाने दिया है तो आपको डेंसिटी दिया होगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको डेंसिटी दे दिया तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है और साथ में मुझे डेंसिटी भी गिवेन है, ओके तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो हम लोग यहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे क्योंकि मुझे इधर क्या चाहिए, डब्ल्यू बाई वी, वेट ऑफ सॉल्यूट तो है ही, यहां भी वेट ऑफ सॉल्यूट है, आवर रिक्वायरमेंट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या कर देंगे, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी यूज करेंगे और फिर जो ये वॉल्यूम निकलेगा आप डब्ल्यू बाई वी रख के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूं कि अगर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। मैं ये प्रिफर करूंगा कि अगर आप बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो आप इस तरह के फॉर्मूले से सॉल्व करो, लेकिन अगर आप जेई नीट के लिए जा रहे हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला हम जो देने वाले हैं, इट इज फॉर रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम को कैसे रिलेट करेंगे, तो देखो सीधा फॉर्मूला है, परसेंट डब्ल्यू बाय वी इज इक्वल टू परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इनटू डेंसिटी, ठीक है। अभी हमने वो क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, आप यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं इसको एक बार आपको थोड़ा बता देता हूं कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है। देखो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू अगर आप डेंसिटी करते हो तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ओके। तो आप जब यहां पे वेट बाय वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो वेट वेट कैंसिल हो गया ना, तो आपको मिल गया डब्ल्यू बाय वी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सब सॉल्व करके डिराइव हुआ है, तो ध्यान रखना है जब भी मुझे डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से डब्ल्यू बाय वी में जाना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला जो है, इट इज फॉर डब्ल्यू बाय वी एंड कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी। एक बात ध्यान रखना, मैं इधर ब्रैकेट में भी लिख देता हूं ताकि आपको और इजी हो जाए समझने में। ये दो पार्ट के यूनिट थे तो मुझे डेंसिटी का जरूरत पड़ा, ये दोनों सेम पार्ट के हैं तो यहां पर डेंसिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई वी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई वी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगेन अगर आपको डब्ल्यू बाई वी गिवन होता है, इसका मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बाई वी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो हम पहले वेट से मोल निकाल लेते और वॉल्यूम को लीटर में बदल देते, तब भी मोलैरिटी आ जाता। तो जब भी आपको क्वेश्चन 2 marks या 1 mark में पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में तो आप उस मेथड को यूज करेंगे, लेकिन फॉर कॉम्पिटेटिव अगर मान लीजिए आपको 30% गिवन है और यूरिया सॉल्यूशन दिया मैंने, तो 30 × 10 = 300/60 आंसर क्या आ जाएगा आपका, सीधा 5, ठीक है। तो ये सब हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है।
First W by W and W by V, second W by V and molarity. Moving on to third formula. Third formula क्या है? Third formula की अगर हम बात करें तो third formula relate करेगा percent W by W and capital M. Again यहाँ आपको density चाहिए. First formula में हमने लिखा था W by W और W by V का relation. W by V equal to क्या लिखे थे? 10 into percent W by W. वही यहां पे रख देंगे. मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सिंपल हो गया फॉर्मूला. डब्ल्यू बाई वी की जगह पे हमने डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी को सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला. फोर्थ डायरेक्ट फॉर्मूला जो है, फोर्थ डायरेक्ट फॉर्मूला इज फोर डायरेक्ट फॉर्मूला है मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन को रिलेट करेगा. और मोलैलिटी इक्वल टू होता है एक्स सॉल्यूट. कल बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, वन में मैंने बताया है कि एक्स सॉल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इन 2000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो वीडियो वन में मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है. तो जब भी आपको क्वेश्चन में मोलैलिटी गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, या मोल फ्रैक्शन गिवन है तो आप मोलैलिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करें. मोलैलिटी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, और लास्ट जो फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला है कैपिटल एम और स्मॉल एम को रिलेट करने के लिए. कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी एंड स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी, जिसमें भी आपको डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा. और मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ध्यान रखना इसमें मैंने दो एम लिखा है, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज. इट इज वेरी क्लियर, कैपिटल एम इज मोलैरिटी and small m is molality and m solute is molar mass of solute. Clear? तो ये 1000 आपको formula clear है. Molality equal to 1000 m upon 1000 d minus m into molar mass of solute. तो ये पांच important formula हैं. ध्यान रखना, this is the important formula रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सबसे ज्यादा हम लोग इस चैप्टर में इसका यूज करेंगे, और बाकी के फॉर्मूले आप मोल कॉन्सेप्ट में जब कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करेंगे तब भी आपको उसका हेल्प लेना है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे. मैंने आपको मोल में भी पढ़ाया है डाइल्यूशन फॉर्मूला. तो सबसे पहले व्हाट इज डाइल्यूशन, बहुत सिंपल है. आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो और आप उसमें से सॉल्यूट की क्वांटिटी को कम करना चाहते हो, दैट इज नोन एज डाइल्यूशन. और डाइल्यूशन कैसे होता है, बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट. लेकिन हमें पता है कि आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट की क्वांटिटी चेंज नहीं होती है. और सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू एम इन टू वी. तो यानी मोल इक्वल टू मोलैरिटी इन टू वॉल्यूम. तो इसका मतलब अगर हमने एक लीटर का सॉल्यूशन बनाया, उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिक्स है. अब मान लो आपने उसमें बहुत सारा सॉल्वेंट ऐड करके उसको 100 लीटर का कर दिया, तो अब भी सॉल्यूट फिक्स है. मतलब एक लीटर के सॉल्यूशन में n इंटू वी का प्रोडक्ट फिक्स है, और 100 लीटर में भी n इंटू वी का प्रोडक्ट फिक्स है. यानी हम क्या लिख सकते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला तो डाइल्यूशन फॉर्मूला इज m1v1 इक्वल टू m2v2. ठीक है, डाइल्यूशन फॉर्मूला इक्वल टू m1v1 इक्वल टू m2v2. नेक्स्ट डाइल्यूशन फॉर्मूला के बाद
अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मान लो हमने एक से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, मान लो आपने तीन अलग अलग सॉल्यूशन लिए, तीनों को मिक्स कर दिया, तो अब तीनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आया उसका मोलैरिटी क्या है, और उसी को हम लोग कहते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा दूं, मैंने 11th में जब मिक्सिंग की कंसेप्ट पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ें मिक्स होगी कौन सी चीज़ें मिक्स नहीं होगी। आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो मिक्सिंग नहीं, वहाँ रिएक्शन होता है। तो इट इज़ वेरी इजी कि मिक्स होगा कि रिएक्ट होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी मैंने ये चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो और उसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, देन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया KCl और आपने लिया NaCl, तो KCl और NaCl में दोनों में क्लोराइड प्रेजेंट है, मतलब ये मिक्स होगा। लेकिन अगर आप ले रहे हो KCl और साथ में मान लो आपने ले लिया है ZnNO3, तो मे बी देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की पोटेशियम नाइट्रेट और जिंक क्लोराइड बन जाए। तो मिक्सिंग का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल रखो। फर्स्ट पॉइंट, नेचर मस्ट बी सेम। नेचर मस्ट बी सेम का मतलब एसिड में एसिड को मिलाओ, बेस में बेस को मिलाओ, सेम नेचर वाले मिक्स होंगे, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है कि इफ देर इज नो आयन कॉमन, मान लो मैंने बोला NaCl और NaNO3, तो अब आपको पता नहीं चला ना वो रिएक्ट करेगा कि नहीं, वो एसिड है कि बेस है, लेकिन आप इतना तो देख रहे हो कि दोनों में Na प्रेजेंट है, तो 100% वो मिक्स करेगा। जैसे मान लो मैंने पूछा NaNO3 एंड KNO3 मिक्स होगा कि रिएक्ट होगा, मिक्स होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट इज कॉमन। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग की बात हम वहीं पे करेंगे जब आयंस कॉमन हो। मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 ml 2 molar HCl एंड 100 ml 2 molar NaOH, तब आप मिक्सिंग मत लगा देना रिजल्टिंग में, नहीं तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, वो एसिड बेस रिएक्शन से हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो अब बात कर ले मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, जिसको कि हम लोग रिजल्टिंग मोलैरिटी भी कहते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग है ना, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में हम पहले बात करेंगे किसका, इसको हम लोग MR लिख रहे हैं, इट मींस रिजल्टिंग मोलैरिटी। अब देखो, अगर मान लो कि मान लो ये एक सॉल्यूशन वन है, ये एक सॉल्यूशन टू है, और मैंने बोला इन दोनों को मिक्स कर दो, एक थर्ड सॉल्यूशन बना दो, इसमें मोलैरिटी M1 था, वॉल्यूम V1 था, इसका मोलैरिटी M2 था, वॉल्यूम V2 था, और मान लो मैंने एक और कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट ले लिया V3, ठीक है। तो पहले मैं ये वाले केस को डिस्कस कर रहा हूं, ओके। तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, तो देखो कुछ नया नहीं है, मोलैरिटी समझ में आएगा तो ये भी चीज बिल्कुल क्लियर है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब नया क्या हो गया, हमने दोनों को मिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जो मोल था इसमें भी जो मोल था दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब इसका मोल कैसे निकलेगा, M into V के प्रोडक्ट से। इसका मोल कैसे निकलेगा, M into V के प्रोडक्ट से। मतलब क्या मेरा रिजल्टिंग मोलैरिटी का फॉर्मूला इसके लिए बनेगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। देखो क्लियर है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब मैंने क्या बोला था, मान लो मैं, मेरा मन क्या, मैंने उसमें 1 liter और वाटर डाल दिया, ठीक है भाई, लीटर, 1 liter वाटर क्या करेगा, सॉल्यूट बढ़ाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, वो क्या करेगा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दिया, मतलब आपका फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो हम यहाँ पे V3 को ऐड कर देंगे, बात क्लियर है, और ये आपको जो MR आएगा वो पूरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकल जाएगा। तो अब जनरल फॉर्मूला क्या लिख दें हम लोग मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का, कैन वी, हम लोग लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन समेशन ऑफ वॉल्यूम। देख लो, मतलब जितने भी कंटेनर में हैं सबके एमवी का प्रोडक्ट और टीचर टोटल वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लो, मोलैरिटी आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका रिजल्टिंग मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल बता दूं, है ना, कि रिजल्टिंग मोलैरिटी पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। इसी में एक बात मैं समझा देता हूँ, रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी वो N into V का प्रोडक्ट आ जाएगा अपॉन V आ जाएगा, ठीक है, दैट विल बी नोन एज रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी। आप डाइल्यूशन फॉर्मूला भी नॉर्मेलिटी के लिए लगा सकते हो, N1V1 इक्वल टू N2V2,
वो जब आप वर्कशीट सॉल्व करोगे तो उसमें आपको सारे वेरिएंट्स के क्वेश्चन मिलेंगे, मैं बाद में इस पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं बस इस पर। मान लीजिए कि हमें एक कंटेनर दिया जिसमें 2 मोलर 300 ml HCl है, और एक कंटेनर दिया जिसमें मान लो 300 ml 3 मोलर HCl दे दिया। अब मान हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूँ इसमें, चलो मैं लिख देता हूँ H2SO4, ओके, चलो H2SO4 लिख देते हैं। अब है तो दोनों एसिड, दोनों मिक्स होगा। आपसे सवाल बोला फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ Cl- एंड SO4 2-, ठीक है। और फर्स्ट में हम फाइनल मोलैरिटी भी पूछ लिया आपसे, रिजल्टिंग मोलैरिटी। तो मिक्स करने के बाद मोलैरिटी क्या आया, H+ कितना हुआ, Cl- कितना हुआ, SO4 2- कितना हुआ। अब देखो रिजल्टिंग मोलैरिटी के लिए तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 2 × 300 प्लस 300 × 3 एंड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 600। तो ये आपका कितना हो गया, 600 प्लस 900 अपॉन 600, मतलब 1500 अपॉन 600, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि यहां पे वॉल्यूम किसमें था, ml में, मैंने ml में रखा। यहां भी वॉल्यूम किसमें था, ml में, मैंने ml में रखा। और नीचे भी मैंने वॉल्यूम ml में रखा, उसको लीटर में नहीं बदला। तो अगर आप ऊपर चेंज करोगे तो आपको नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। फाइनल मोलैरिटी कितना आ गया, 5/2। तो फाइनल मोलैरिटी 5.2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2.5। मैंने एग्जांपल इसलिए भी लिया, देखो ये तो फाइनल कैलकुलेशन इस तरीके से आएगा ही। यहां से एक शॉर्टकट आप और सीखना, कभी भी जब आपने दो सॉल्यूशन को मिलाया है और उनका वॉल्यूम फिक्स है तो फाइनल मोलैरिटी उनका एवरेज होगा। देखो 3+2, 5/2 कर दो, 2.5 आ जाएगा। अब अगर मान लो मैं इसको 400 कर दूं तो मेरा आंसर 2.5 से 3 की तरफ मूव करेगा, और अगर हम इसको 400 कर दें तो मेरा आंसर 2.5 से 2.4 की तरफ मूव करेगा। मान लो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गया, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि अरे मेरा आंसर टू, अगर इसको 400 करते हैं यानी मेरा एवरेज तो 2.5 है, मतलब मेरा आंसर 2.5 से ज्यादा और 3 से कम होगा। इसी तरह अगर इसका बढ़ा दें मतलब मेरा आंसर 2 से ज्यादा और 2.5 से कम होगा। तो आपके पास चांसेस भी हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के, बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया कौन सा, रिजल्टिंग मोलैरिटी 2.5। अब हम आते हैं H+ Cl- और SO4 2-। तो सबसे पहले हम Cl- की बात करते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें ऐसा नहीं कि कुछ नया आ गया, स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं अरे Cl- कैसे निकाले। तो आपको एक बेसिक चीज जो मैं बार बार बता रहा हूं, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर्स में। अगर बच्चे को मोलैरिटी का फंडामेंटल फॉर्मूला याद है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, N/V। तो अब नया कुछ नहीं है, मैंने Cl- लिखा मतलब Cl के मोल्स निकालो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो। अब बताओ कि Cl इन दोनों में किसमें है, सिर्फ फर्स्ट कंटेनर में, और मोल कैसे निकलेगा, डायरेक्ट Cl का तो निकलेगा नहीं, HCl का निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किया तो Cl आ गया आपका यहां पे 2 × 300। तो ये आपने मोल्स निकाले किसके, HCl। अब देखो क्या हम ये कह सकते हैं 1 मोल HCl में 1 मोल क्लोरीन है, यानी जितना मोल HCl उतना मोल क्लोरीन, तो यहां मैंने ऐसे ही रख दिया। अब टोटल वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल बी टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होगा दोनों का मिक्सिंग, क्योंकि आप मिक्स कर रहे हो ना, तो क्लोरीन तो इसी से मिला क्योंकि क्लोरीन का सोर्स तो HCl है, तो मैंने यहां 2 × 300 लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है। और टोटल वॉल्यूम हो गया आपके कितना, 600। तो ये आ गया आपका 600/600 1 मोलर। अब SO4 2- पे आते हैं, तो SO4 2- किसमें मिलने वाला है, सेकंड में। तो हम लोग SO4 2- के मोल्स निकालेंगे, 300 × 3/600, ये भी कितना आ गया 1 मोलर, सॉरी 900/600, कितना हो गया 900/600, दैट इज इक्वल टू
3 बाय 2 मोलर। नाउ अब बात करेंगे H प्लस। तो देखो H प्लस जो है दोनों में है ना, HCl में भी H प्लस है और H2SO4 में भी H प्लस है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या करना है H प्लस के लिए, क्या करना है, इससे कैसे निकलेगा मोल्स, 2 × 300, ठीक है, प्लस ध्यान देना 300 × 3, लेकिन एक मोल H2SO4 में दो मोल H प्लस होते हैं, तो आपको यहां पे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा और टोटल वॉल्यूम आपका वही हो गया कितना 600। तो ये हो गया आपका 600 और ये हो गया 1800, मतलब ये हो गया आपके लिए कितना 2400 डिवाइड बाय 600, मतलब ये बन गया आपका 4 मोलर। H प्लस का कंसंट्रेशन टोटल कितना आ गया 4 मोलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, रिजल्टिंग मोलैरिटी पूछा है या किसी पर्टिकुलर कैटायन एनायन। इसको और एडवांस में थोड़ा बनाना चाहे तो मैं आपसे पूछ सकता था व्हाट विल बी, देखो मैं क्या पूछ सकता था, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन टू रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। तो आपको क्या करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, कैटायन कौन था H प्लस, तो उसका कंसंट्रेशन हम ऊपर रख देते हैं, एनायन कौन था Cl माइनस और SO4 2 माइनस, तो दोनों के कंसंट्रेशन का सम लेते हैं और फिर उसको नीचे रख देते हैं, तो मुझे इसका भी क्या मिल जाता, फाइनल क्या मिल जाता बोलो, फाइनल हम लोगों को मिल जाता इसका रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन टू एनायन, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन मैंने कर दिया है कंसंट्रेशन टर्म्स का। अब वीडियो नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, इवोपरेशन के बारे में। आप एनसीईआरटी से कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, उसको भी रीड आउट कीजिए और थोड़ा वेपर प्रेशर भी उससे पढ़ लीजिए, और साथ में जो हम लोग पीडीएफ असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी रेफर करो, और जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो मेरे असाइनमेंट के, यू स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके, थैंक यू।